और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप लोग हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, लाए हूँ आपके लिए दोबारा से इस पैनी स्टॉक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो पैनी स्टॉक बिलो 1 रुपी था, 68 पैसे का इसने लो लगाया, ठीक है। और डिस्क्लोज कर देना चाहता हूँ, छोटी मोटी क्वांटिटी मैंने भी अपने रूल्स के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करी है, तो प्लीज़, ठीक है, एक बार प्लीज़ खुद की स्टडी ऐड करना। और रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप सबको बाय करो करो, लेकिन हाँ, एक बड़ा अपडेट निकल के आया है 7 हिल इंडस्ट्री शेयर के बारे में। कंपनी के Q4 नतीजे का अपडेट आया है, जहाँ कंपनी को 2 करोड़ के आसपास का मुनाफा इसने बांधा है। तो यार देखो, पैनी स्टॉक बिलो 1 रुपी था पहली बात तो, ठीक है। और हमारे पास लॉजिक, अगर आपने वीडियोस देखा होगा वाला, तो प्रॉपर लॉजिक के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन पैनी स्टॉक, ठीक है। उसके 2 कैटेगराइज आप कर सकते हो, वाई टू इन्वेस्ट, वाई नॉट टू इन्वेस्ट पैनी स्टॉक। जितने ज़्यादा पॉइंट आपके फेवर में रहेंगे, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को इंक्रीज कर सकते हो। और ध्यान रखना, मैं पर्सनली पैनी स्टॉक बाय नहीं करता हूँ, ठीक है। तो गलती से एक हमारे छोटे भाई है, उन्होंने प्राइस नीचे आ रखा लोअर सर्किट में, तो मैंने भी उसको बाय कर लिया, ठीक है। तो लकीली फिर आज मुझे भी स्टॉक पे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा, 70-75 पैसे की मेरी कॉस्ट है, और काफ़ी अच्छा रिटर्न स्टॉक अभी फ्यूचर में दे सकता है। अगर आपने पुराने वीडियोज़ देखे होंगे तो उसमें मैंने डेफिनेटली टारगेट भी आपको बताया होगा। जिनको बातें समझ नहीं आ रही है, ठीक है, अंत तक देखना, ठीक है, क्योंकि आपको तब समझ आएगा कि हाँ, मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, क्यों बताया गया था स्टॉक, ठीक है, और फ्यूचर में स्टॉक को आप क्या कर सकते हो, राइट। तो आप लोग देख सकते हो 7 हिल इंडस्ट्री, इस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो, यहाँ कहीं मैंने स्टॉक को बाय किया था, ठीक है, 70-80 पैसे के आसपास, एंड स्टॉक का प्राइस देखो ऑलमोस्ट वहाँ से हमें अभी ऑलमोस्ट 50% रिटर्न दे चुका है, ठीक है। अब ये स्टॉक बाय करने का 2 रीजन थे, ठीक है। पहला रीजन तो आपके सामने है, राइट, क्या है, ROC, देखिए कंपनी का जो ROC है कितना बेहतरीन है। अब आप बोलोगे, मुझे बोलोगे बहुत सारे, ये होता क्या है, देखो यार, अगर आपको पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट से गूगल कर लेना, ठीक है, वैसे उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। अब इसके बारे में और जानना है तो आप प्लीज़ गूगल करो, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिकल ज्ञान मैं आपको दे सकता हूँ, मतलब कि इसका मतलब ये होता है जो मुझे समझ आता है, ठीक है। मैंने ना तो कभी गूगल करा है ना कुछ करा है, इसका मतलब ये कि कंपनी एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बिजनेस में, जितना ये अच्छा होगा उतना बहुत बढ़िया माना जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज देख लो, रिलायंस, टाटा वाटा, जो भी कंपनी आपको देखनी है, कंपेरिजन करोगे तो ये चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब आप बोलोगे, सर ये तो पैनी स्टॉक है, वो टाटा है। आई नो, ठीक है, मैंने क्या बोला, पैनी स्टॉक में आपको लॉजिक ढूंढना है। आप बड़े स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना कभी, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर मिलेगा। आप टाटा के शेयर्स में पैसा क्यों डालते हो, कोई दूसरा टाटा स्टील का शेयर पकड़ सकते हो, टाटा के शेयर में ही क्यों डालना है, क्योंकि टाटा का नाम आ जाता है, ठीक है। आपको लॉजिक क्या दिखा, टाटा है भैया, रतन टाटा जी है, मुझे तब समझ आया, ठीक है। आप अदानी पे पैसा क्यों डालते हो, अदानी के नाम से, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। ऐसी मैं पैनी स्टॉक पे पैसा क्यों डालता हूँ, मेरा खुद के कुछ लॉजिक है, जैसे ROC पॉजिटिव होगा, प्रेजेंटिक प्रमोटर्स की नाक के बराबर है। अब आप बोलोगे, सर ये मैटर क्यों करता है, ये मैटर इसलिए करता है, आप खुद सोचो, एक पैनी स्टॉक लास्ट 20 ईयर्स से मार्केट में काम कर रहा है, आपका बिजनेस है खुद का, ठीक है, वो 20 ईयर्स से काम कर रहा है, और आपको दिख रहा है कि यार लास्ट 20 ईयर्स से ना मुझे सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट मिल रहा है, या फिर 1-2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पर क्या डिसीजन लोगे, आप डिसीजन ये लोगे, क्या मैं इस डिसीजन को बंद कर दूँ, या फिर मैं फ्यूचर में मुझे कुछ बड़ा दिख रहा है इसलिए मैं इस बिजनेस को रन करता हूँ, ये 2 ऑप्शन होते हैं। तो सोचो ना, ये कंपनी उन्होंने अभी तक बंद क्यों नहीं करी, अभी तक ये रन कर रहे 20 ईयर्स से, इनको कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा, मार्केट कैप छोटा सा, क्यों रन कर रहे, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना, ठीक है। अगर ये चलो 1-2 नंबर काम भी कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो है ना भाई, जो उन्होंने अभी तक बिजनेस बंद नहीं किया है। और इसी पॉजिटिव चीज़ों को आपको लॉजिक को ढूंढना है, ठीक है। ये चीज़ें शायद आपको समझ नहीं आ रही, आपको लग रहा है मैं कुछ बेच रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो मुझे कोई सब बोलता नहीं है कि स्टॉक को रिकमेंड करो, बाय करो, सेल करो, ये अपनी खुद की रिसर्च से बताता हूँ कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि पास में मैंने देखे भाई पैनी स्टॉक्स यार 2018-19 में 18-18 पैसे के स्टॉक से आज 10-20 रुपये ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ट्राइडेंट देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, और सबके पीछे लॉजिक ढूंढना पड़ता है, ठीक है। अब आप जबरदस्ती लॉजिक घुसेड़ोगे तो नहीं बनेगा, लॉजिक यही है, प्लेज होल्डिंग नहीं है, ROC पॉजिटिव है, बुक वैल्यू सस्ते में ट्रेड कर रहा है,
ये सब लॉजिक आपको ढूंढने हैं। चार्ट पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो डेट रिड्यूस हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट देखो नंबर्स देखो, सेल्स यहाँ पर जीरो देखेंगे लेकिन देखो अदर इनकम से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें नहीं पता कि अदर इनकम क्या है। अब आपसे बोलूँ सर आपके कितने सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी एक सैलरी एक इनकम होगी, एक आपके दूसरा कुछ इनकम होगा, ठीक है, तो आपके मल्टीपल इनकम है, लेकिन आपका मेन बिजनेस थोड़ना है कि भैया जो सैलरी है उससे पैसा आ रहा है, आपको अदर से भी तो पैसा आ रहा हो, मतलब आपका यूट्यूब चैनल हो, आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करवाते हो तो वहां से पैसा मिल रहा हो, तो ऐसी इनकम है। अब मैं अंदर तो नहीं घुसूंगा ना बिजनेस के अंदर कि भैया क्या करती क्या नहीं करती, वो बंदा घुसता है जो बड़ा पैसा डालता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी करना पसंद करता हूँ। अब कॉपी मैं कैसे करता हूँ वो भी आपको बताता हूँ। अगर आपको नकल करना आती है ना, ठीक है, मैं नकल भी करता हूँ, अकल भी चलाता हूँ, दोनों काम मैं करता हूँ, ठीक है। शुरू से अपनी आदत है स्कूल टाइम से, पीछे वाले बंदे का भी कॉपी करो और अपना दिमाग थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ जो पढ़ सकते हो, तो दोनों काम हम करते थे, ठीक है। आप बताता हूँ कैसे नकल की जाती है। नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पर कैसे 2 करोड़ का है, तो ये देखो 2 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर में 1.6 CR का प्रॉफिट था, और यहाँ देखो 3 करोड़ का ऑलमोस्ट लॉस है आपको, ईयरली प्रॉफिट नहीं है लॉस है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मार्च 2021 है, मार्च 2022 में आपको प्रॉफिट दिखेगा 3 करोड़ का, ठीक है। तो मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, और बैलेंस शीट अब देखो रिजर्व लगातार नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत जल्द आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। साथ में डेट देखो 6 करोड़ के हो चुके, 23 करोड़ का डेट था, 6 करोड़ का डेट है, मतलब ठीक है कंपनी अच्छा कर रही है। और अगर श्योरिटी पैटर्न देखोगे तो पब्लिक की होल्डिंग देखो यहाँ पर 100% है, प्रमोटर्स जीरो। अब आप बोलोगे सर प्रमोटर्स जीरो है, अब स्टॉक में पैसा कैसे इन्वेस्ट कर दूँ। मैंने आपको एक लॉजिक बोला था हमेशा, कुछ चीज़ें ना पैनी स्टॉक में कुछ हिडन चीज़ें होती है, आपको उन हिडन चीज़ों को ढूंढना है, ठीक है। अब वो हिडन चीज़ें क्या है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पर DII तो जीरो है, प्रमोटर जीरो है, लेकिन जब पब्लिक के अंदर क्लिक करते हो तो आपको दिखता है कि यार ये बड़ा बंदा है कोई, जिससे 13% की हिस्सेदारी यहाँ बाय कर रखी है, यहाँ इसने 11% कर रखी है, 13 कर रखी है, तो ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं लोग, समझ रहे हो, इन्होंने 13% क्यों बाय करा हुआ है, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना भाई, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। तो हमें यही ढूंढना है बस, ये ढूंढने के बाद चुपचाप उनको फॉलो करो। अब मैंने बोला आपको कॉपी, मैं कॉपी कैसे करता हूँ, अब देखो मेरे से समझदार व्यक्ति कौन होगा स्टॉक मार्केट में, जो मेरे से ऊपर होगा पहली बात, या फिर प्रमोटर्स मेरे से समझदार है, या फिर पब्लिक मेरे से समझदार, जो पब्लिक यहाँ दिख रही है, तो मैं इनको कॉपी करता हूँ, इनको कॉपी करता हूँ, मतलब इनको देखता हूँ कि इन्होंने 13% क्यों लगाया होगा, 11% क्यों लगाया होगा, 13% क्यों लगाया होगा, और हमेशा इनके जो बाइंग प्राइस है इनसे नीचे बाय करने का प्रयास करता हूँ। देखो इस व्यक्ति ने जून 2020 में इसको बाय किया होगा, अब जून 2019 में ये प्राइस बहुत ऊपर था, 2 रुपये 1 रुपये के आसपास था, और मुझे मिल रहा था 70 पैसे में, तो मैं क्या बाय नहीं करूंगा, मैं पक्का बाय करूंगा, समझ आ गया। इसको बोलते कॉपी विद अकल, ठीक है, नकल इनसे करी मैंने, अकल अपनी जुड़ाई, अकल अपनी जुड़ाई मतलब वेट किया 70-80 पैसे आने का, ठीक है। अगर आपको याद होगा एफसीएस सॉफ्टवेयर 1 रुपये का ट्रेड करता था बहुत पहले, ठीक है, लास्ट होली की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट होली की बात कर रहा हूँ 2021 की, मैंने बोला था स्टॉक 60-70 पैसे आएगा तो बाय करना, जाकर चेकआउट करो, 70 पैसे भी आया 60 पैसे भी आया, वहीं बाय किया था, और आज 3 रुपये 2.5 रुपये का ट्रेड कर रहा, 8 रुपये का हाई लगाया, तो वहां पर मैंने नकल करी कहां से, शेयरिंग पैटर्न से, और अकल दौड़ाई अपनी वेट किया मैंने, 3 महीने तक वेट किया मैंने प्राइस का आने का, 3 महीने के बाद वो प्राइस आया 17 पैसे के, 3 महीने तक मैंने प्राइस को देखा समझा परखा, तब जाके अच्छी एंट्री मिली, समझ गए। तो नकल के साथ अकल भी दौड़ाओ, ठीक है। जो लोग काम करते हैं ना, बोलते नहीं कि हम नकल करते हैं, हर व्यक्ति नकल करता है, मैं तो खासकर नकल करता हूँ भाई, नकल करने में तो हम मारती है, ठीक है, लेकिन अकल भी वहाँ दौड़ानी पड़ती है। अकल अगर दौड़ाओगे तो आप उस नकल वाले से ना एक कदम हमेशा आगे रहोगे, ठीक है। वो उसको लगता होगा कि भैया मैं ये बंदा कुछ नहीं करता होगा, लेकिन ध्यान रखना जो बंदा नकल करता है सबसे अकल दौड़ाता है वो सबसे आगे है। अब मर्जी आपकी, अब मानो ना मानो, मैं तो मानता हूँ भाई, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है 7 इंडस्ट्री नजरों में रखो, अब बोल नहीं रहा हूँ भाई यहाँ बाय करो, मेरा खुद की बाइंग 70-80 पैसे है, ठीक है, खुद की स्टडी ऐड कर लेना, खुद की रिसर्च ऐड कर लेना, ठीक है, अच्छी खासी BSE में वॉल्यूम आता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी GSM कैटेगरी का स्टॉक नहीं है, तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट है, आपको ढूंढने हैं, ठीक है। अब ये एक दिन में नहीं आता है, बहुत सारी गलतियां करोगे, मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी पेनी स्टॉक में, और मैं तो भाई बहुत सारे पेनी स्टॉक बाय भी नहीं करता हूँ, लकीली सोच रहा हूँ कि यार किस तरीके से मैं इसको मैनेज कर सकूँ, क्योंकि कोई मेरे लिए काम कर ले, मतलब बोल दे कि इसको बाय कर लो, उसको सेल कर लो, कि मैं वीडियोस बनाया था लेकिन मैं बाय नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ भाई। अब है ना, देखो यहाँ पर 100% टीवी स्टॉक में उठाई गई है, राइट, 15 लाख शेयर यहाँ पर लोग घर लेके गए, राइट। तो भाई यही बोलूंगा, जो रूल्स बताया उसको फॉलो करो, तरीका बताया उसको फॉलो करो, नकल करो फिर अक्ल करो, नकल करो फिर अक्ल करो, बस यही आंसर है मेरे सभी जो भी पेनी स्टॉक में आपको देता हूँ। मेरी नकल करो, नकल मतलब जो स्टॉक पर सेलेक्ट करता हूँ उसको समझो परखो, फिर उसका अपने अक्ल लगाओ।